ईवीएम और बैटरी पे जो शंका थी, आज की ही काउंटिंग में लगभग सीधी संसदीय क्षेत्र के काउंटिंग में 50% से ज़्यादा बैटरी, 99% रिचार्ज मिली है और आपत्ति दर्ज कराया है प्रत्याशियों ने, जो काउंटिंग एजेंट है रिसीविंग भी ले लिया है। पर हम समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ बैटरियां 60% 40% डिस्चार्ज है और कुछ बैटरी सिर्फ 1% डिस्चार्ज है, 99% रिचार्ज मिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। शुरुआती रुझान में जिस तरह से इंडिया एयरलाइंस को बढ़त मिल रही है और यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री थे और आगे भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, जिस तरह से वो पीछे हुए हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ने, वाराणसी संसदीय क्षेत्र की जनता ने भी सच्चाई की जीत की ओर अग्रसर हुए हैं और झूठ परास्त होते हुए नजर आ रहा है। इंडिया एयरलाइंस की देश में सरकार बनेगी, अभी तो ये शुरुआती रुझान है, आगे आगे आप देखते जाइए क्या होता है। और सभी जगह से अच्छे रुझान आ रहे हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जबकि एग्जिट पोल में कई जगह केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ सब जगह जो है ना पीछे बताया था, जीरो कर दिया था। कई राज्यों में अच्छी, यूपी में बहुत कम बताया था, यूपी में इंडिया एयरलाइंस की सीटें ज्यादा हो गई है, तो कई राज्यों में बहुत अच्छा है आपका, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में भी सभी जगह से अच्छे रुझान आ रहे हैं। तो अभी तो पहला दूसरा चरण हुआ है, पूरा जब रुझान आएगा, पूरी तरह से जब मतगणना हो जाएगी, मतगणना उपरांत इंडिया एयरलाइंस की पूरी बहुमत में सरकार बनेगी, शुरुआती रुझान से ऐसा समझ में आ रहा है। ईवीएम को लेकर बैटरी, देखिए ईवीएम और बैटरी पे जो शंका थी, आज की ही काउंटिंग में लगभग सीधी संसदीय क्षेत्र के काउंटिंग में 50% से ज्यादा बैटरी, 99% रिचार्ज मिली है और आपत्ति दर्ज कराया है प्रत्याशियों ने, जो काउंटिंग एजेंट है रिसीविंग भी ले लिया है। पर हम समझते हैं कहीं ना कहीं कुछ बैटरियां 60% 40% डिस्चार्ज है और कुछ बैटरी सिर्फ 1% डिस्चार्ज है, 99% रिचार्ज मिली है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। और इस पे जो इंजीनियर्स हैं या जो भी निर्वाचन आयोग है, इनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी इस पे काफी प्रश्न चिन्ह पिछले चुनाव में भी लगा है। निष्पक्ष चुनाव हो, हार जीत ये हमारे लोकतंत्र का एक पहलू है, पर चुनाव निष्पक्ष हो ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारा जो निर्वाचन आयोग है, ये उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। और इस तरह की जहां भी आशंका किसी भी राजनीतिक दल को होती है, तो वहां उनको संज्ञान में लेना चाहिए और उसकी सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।